नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। सदर सांसद रवि किशन व महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव द्वारा शासन के निर्देश पर एनेक्सी भवन के सभागार में जनपद के 135 एएनएम को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि पूरे प्रदेश में 7182 लोगों को एएनएम के नियुक्ति पत्र का वितरित किया गया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वितरित किया गया है। इसके साथ ही शासन से निर्देश प्राप्त हुआ था कि जनपद में जनप्रतिनिधियों से नियुक्ति पत्र का वितरण करवाया जाए। गोरखपुर में सदर सांसद रवि किशन व महापौर मंगलेश श्रीवास्तव द्वारा 135 एएनएम कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है, जो कि 5000 की आबादी वाले गांव में कार्य करेंगे, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, एएनएम पूनम निषाद, सुमन सिंह ने कहा, आज पूरे प्रदेश में 7182 लोगों को एएनएम की नियुक्ति का पत्र डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यह वितरण किया गया है और इसी के साथ ही हम लोगों को शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे कि जनपद में अपने माननीय जनप्रतिनिधियों से करें। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे सांसद महोदय ने यहाँ पर बांटा है और हमारे महापौर महोदय खुद बांट रहे हैं। ये 5 से 7 हज़ार की आबादी पर कार्य करने वाली एएनएम है, जो इनके ऊपर जो है ग्रामीण स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था रहेगी और गोरखपुर के स्वास्थ्य को सुधारने में इनकी अहम भूमिका रहेगी और इससे जो है गोरखपुर का स्वास्थ्य परिवार अधिक सुदृढ़ हुआ है और अधिक कार्य करने का मौका मिलेगा। ऐतिहासिक रहा, आज 71,000 लोगों को यहाँ पर बिटिया लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार जी महाराज जी ने दिया और हमारे यहाँ पर 131 बिटिया लोगों को ये जॉब मिला है। तो सरकारी नौकरी, अच्छी तनख्वाह, एक नर्स की भूमिका में रहेंगी और पूरे 5,000 से लेके 7,000 के लोगों को एक पूरे इतनी संख्या में लोगों को एक नर्स दिया गया है। तो ये सोच इतनी सुंदर है, मैं उसके लिए पूज्य महाराज जी को, डबल इंजन सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि आज 75 जिलों में ये हुआ है और एक अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह के साथ। और एक तो बेस्ट है कि गांव-गांव में ये जब लड़कियां रहेंगी, ये नर्सेज रहेंगी, जो 7,000 लोगों के फैमिली का ऐसा समूह है कि 7,000 लोगों को एक नर्स दिया गया, तो ऑलमोस्ट ये वेल ट्रेन्ड, 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप इनको मिनी मतलब डॉक्टर भी कह सकते हैं। और ये जाएंगी सब, डोर टू डोर सर्विस देंगी ये लोग, डोर टू डोर सर्विस देंगी, इनके नंबर उपलब्ध रहेंगे, इनके केंद्र होंगे जहाँ पे आप इनको संपर्क कर सकते हैं। ये हर जगह जाएंगी, अवेयरनेस करवाएंगी, हेल्थ को लेके, ईटिंग को लेके, एक्सरसाइज को लेके, बीपी डायबिटीज से लेके हर चीज़, ये बहुत सुंदर रहा। और उसमें बच्चों को आज रोज़गार मिला है, कई फैमिलीज मतलब आप सोच सकते हैं कि आज जो बेटियों को इतनी बड़ी शक्ति दी है सरकार ने, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं पूज्य महाराज जी को, हेल्थ मिनिस्टर को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, बृजेश पाठक जी को, कि ये बहुत सुंदर सोच, बेटियों को आज इतना सरकारी नौकरियां मिलना पूरे 75 जिलों में, ये बहुत ही सुंदर संदेशा गया है। और यही यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच रही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को डॉक्टर बनाओ, नर्स बनाओ और महीने की तनख्वाह दो अच्छी सरकारी, ये सोच भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाती है, गरीबों की पार्टी। बहुत अच्छा लग रहा है, इसका बहुत बेसब्री से हम लोग इंतजार किए हैं। इसके लिए योगी जी को कितनी बार रिक्वेस्ट करना पड़ा, जनता दर्शन के लिए जाना पड़ा, आज हम लोग का इंतजार का घड़ी समाप्त हो गया, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अरे हम लगभग 8 सालों से संविदा पे थे, तभी से इंतजार है कि संविदा पे हैं तो एक नए दिन परमानेंट होगा। आज वो दिन आ गया कि हम लोग आज परमानेंट का मोहर लग गया और हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, बहुत खुशी है, लाइफ का सबसे बड़ी खुशी है। इसका श्रेय हम अपने फैमिली को ही देंगे। क्या नाम है? पूनम निषाद जी। बहुत खुशी है, कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं? इंतजार हम लोगों को अगस्त से ही था, 6 अगस्त जब एग्जाम फाइनल रिजल्ट आया था तभी। माननीय योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को। जो लोग अभी भी जैसे संविदा पर हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह से कार्य करना चाहेंगे?
वो लोग भी अच्छे से अपना काम करें और एक ना एक दिन उनका भी मतलब होगा परमानेंट।